एक बेटी क्यों पिता को सबसे ज्यादा प्यार करती है? क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान होता है जो उसको कभी हर्ट नहीं करता है। उसकी शादी होती है, उसको पति मिलता है, हो सकता है पति उसको रानी बनाकर ना रखे, मगर पिता की नजर में वो हमेशा राजकुमारी रहती है। इसी पिता के और बेटी के प्यार को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सुंदर स्कीम, जिसे सुकन्या समृद्धि कहते हैं, उसको निकाला है, जिसमें वो अपने बेटी के शिक्षा और अपनी उसकी शादी की व्यवस्था कर लेता है। बट काफी पहलू को देखते हुए, बहुत सारे पहलुओं को वो नजरअंदाज करता है, जिससे उसे हो सकता है उसको नुकसान भी उठाना पड़े। मैं आपको ऐसे चार पहलू बताना चाहूंगा, जिसको आप अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आपको कल को सुकन्या समृद्धि में होने वाले नुकसान से आप बच सकें। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको हेलो, मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मेरा मिशन 1 लाख पेरेंट्स के उनके बच्चों की बिना किसी लाइफस्टाइल के कंप्रोमाइज के और बिना किसी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सके। आइए आगे हम चर्चा करते हैं, वो चार कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान रखना है अगर हम सुकन्या समृद्धि में प्लानिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू गर्ल लिमिटेशन। एक पिता वो है जो बच्चे की स्ट्रेंथ को ऊपर उठाता है, एक पिता वो है जो बच्चे की कड़ी मेहनत में और असाधारण परिणामों के बीच की कड़ी को दिखाता है, एक पिता वो है जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनकरेज करता है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना में 2 गर्ल की लिमिटेशन है, यानी कि अगर आपकी 3 लड़कियां हैं तो आप तीसरी गर्ल की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। साथ में आपके अगर आप 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के के लिए आप सुकन्या समृद्धि की प्लानिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिमिटेशन है। तो हम देखते हैं, अगर हम बच्चे की इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, उसके माइंड में हो सकता है कल को आगे जाके ज्वेलसी आ जाए, इनसिक्योरिटी की बात आ जाए, वो अपने आप को बर्दिला समझे, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाए। एक पेरेंट्स को मुख्यतः 4 तरीके के पहलू पे बच्चे को हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 सेफ्टी, नंबर 3 परफॉर्मेंस, नंबर 4 प्रिपरेशन फॉर एडल्टहुड। हमने ये देखा है, हमारे घर में अगर मान लो लड़का लड़की 2 हैं, तो हम लड़के को भी लड़कियों के काम सिखाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो आगे जाके अपनी वाइफ की और अपनी बहन की हमेशा हेल्प करे। मगर इन सारे मुद्दों को देखते हुए अगर सुकन्या समृद्धि को हम लेते हैं तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल में मैच्योरिटी मिल जाती है, और वो रकम जो होती है वो बेटी के खाते में जाती है। ऐसे में हो सकता है बेटी उसको एक सही उपयोग ना करे और उसको शॉपिंग में या अपने किसी पर्सनल काम में यूज ले सकती है। तो मेरा जो सपना बेटी की शादी का था वो इनकम्प्लीट रह सकता है। और अगर मैं दूसरी तरफ लेके चलूं, 10 साल की मेरी बेटी है, तो 21 साल बाद, यानी कि जब वो 31 साल की होगी तब उसकी मैच्योरिटी मिलेगी, तो क्या 31 साल की उम्र एक सही उम्र है? दूसरी तरफ अगर मैं लेके चलता हूँ, तो अगर मेरी 1 साल की बेटी है, मैं उसकी प्लानिंग सुकन्या समृद्धि में करता हूँ, तो उसकी मैच्योरिटी जब मिलेगी तो उसकी उम्र 22 साल की होगी। और इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के अनुसार मेट्रो सिटीज में आज एक बेटी की सही उम्र 25 से 26 शादी की है। तो ऐसे में अगर 26 साल में मुझे बेटी की शादी करनी है और 22 साल में मुझे मैच्योरिटी मिली है, तो 4 साल मुझे जो फंड को सिक्योर करना होगा, उसमें वो फंड का खर्च होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। हो सकता है मैं उसको इमरजेंसी फंड में यूज कर लूँ, हो सकता है मैं उसको क्रिटिकल इलनेस में यूज कर लूँ, हो सकता है मैं अपने बिजनेस में यूज कर लूँ। इसके अलावा मैं कुछ फैक्टर बताना चाहूंगा कि क्यों आज एक 25 से 26 साल लड़की की सही उम्र है शादी की। आज हर एक लड़की चाहती है उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, हर एक लड़की चाहती है कि वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, एक पिता भी उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा फियर ऑफ कमिटमेंट, वो चाहती है मैं लेट शादी करूं क्योंकि उसको एक मनचाहा, एक आराम से एक सही डिसीजन ले सके, वो ये चाहती है अपने पिता के साथ कुछ पल बिता सकूं। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए 25 से 26 साल की जो उम्र है वो एक सही उम्र है। तो ऐसे में सुकन्या समृद्धि में पैसा डालने से पहले इन फैक्टर को ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है और खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। कोरोना काल में देखा हमने किस तरह से पैसे की एक अहमियत हम लोगों को महसूस हुई है। बहुत सारे बिजनेस डाउन हुए, बहुत सारे प्रोफेशन डाउन हुए, लोगों की सैलरी कट हुई, लोगों को इमरजेंसी फंड क्या है ये पता लगा। इमरजेंसी फंड क्या होता है, करता है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट पे, हमारे घर का खर्चा कितना है और हमारे ऊपर लोन कितना है। इसके अलावा इमरजेंसी फंड का एक जनरल रूल है कि जो हमारे 6 महीने का खर्चा है वो कम से कम हमारे पास अकाउंट में फंड होना ही चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में हम देखते हैं कि 18 साल से पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं,
वो भी पैसा हम जब निकालते हैं तो उस बच्चे की एजुकेशन पर ही निकल सकता है, और वो भी 50% केवल। और सबसे बड़ी बात है, अगर 50% में मैं 3 लाख के लिए एलिजिबल हूँ और एजुकेशन का खर्चा अगर 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही निकलेगा। इस तरह से बहुत सारे लिमिटेशन है जिसके कारण मैं सुकन्या समृद्धि में अपने पैसे को एक समय पड़ने पर यूज नहीं कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने ये सब फैक्टर नहीं ध्यान दिए, बट हम लोग इसको फैक्टरों पर ध्यान रखते हैं, और अगर इमरजेंसी फंड बनाकर चलते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में प्लानिंग करते हैं तो वो एक सही निर्णय साबित होगा। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसी के आने की खबर हमें 9 महीने पहले पता लग जाती है, मगर कोई छोड़कर जाता है ये 9 सेकंड पहले भी पता लगता है। एक परिवार जो होता है वो इंसान की कमाई से चलता है, ना कि उससे। तो कमाई की सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में मान लो मैं अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करता हूं और 4 साल बाद अगर पिता की डेथ हो जाती है तो ऐसे में खाता जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो उसकी किस्तें कौन भरेगा? गवर्नमेंट जो हमारा फंड है उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा के हमको वापस कर देती है, तो मेरी बेटी की शादी के लिए जो फंड की जरूरत थी वो कैसे व्यवस्था होगी? तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस के साथ अगर मैं अपने बच्चे की प्लानिंग करता हूं तो बेशक ही मुझे एक सहारा मिलता है जिसमें मैं अपने बच्चे का फ्यूचर जो है वो 100% सिक्योर कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें।